क्या चिराग पासवान की पार्टी को बीजेपी ने दिया था विलय का प्रस्ताव? अब क्या होगी आगे की रणनीति? बीजेपी ने चिराग पासवान को विलय करने के एवज में उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी घोषित करने का वायदा किया था। हालांकि अब आपको बता दें चलें, यह कहा जा रहा है कि चिराग ने इस तरह के किसी भी प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया है। विलय के प्रस्ताव के खिलाफ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने महागठबंधन से नाता तोड़ लिया है और उसके एकमात्र मंत्री संतोष मांझी ने नीतीश सरकार से इस्तीफा दे दिया था। अब खबर आ रही है कि भाजपा ने भी चिराग पासवान को लोजपा आर को विलय का प्रस्ताव दिया था। हालांकि चिराग पासवान ने विलय के किसी भी प्रस्ताव से इनकार कर दिया। पटना से जो छनकर खबरें आ रही हैं उसमें कहा गया है कि चिराग पासवान को विलय करने के एवज में भाजपा ने उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी घोषित करने का वादा किया था। हालांकि आज कहा जा रहा है कि चिराग पासवान ने इस तरीके के किसी भी प्रस्ताव को मान्य से इनकार कर दिया। चिराग पासवान किसी भी हाल में अपने पिता रामविलास पासवान की विरासत यानी उनकी पार्टी और उनकी राजनीतिक तपस्या को किसी पार्टी में विलय कर खत्म नहीं करना चाहते। एक पत्रकार ने दावा किया कि 2 महीने पहले एक अनौपचारिक बातचीत में चिराग पासवान ने इस तरह के वादे किए थे, लेकिन यह सरासर गलत है। उस पत्रकार की ओर से अभी कहा गया कि 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद उपेंद्र कुशवाहा को भी इस तरह के प्रस्ताव दिए गए थे, लेकिन उन्होंने यह प्रस्ताव मानने से इनकार कर दिया। बिहार में भाजपा के साथ दिक्कत यह है कि उसके पास कैडर तो है पर मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में कोई चमत्कारिक चेहरा नहीं है। सुशील कुमार मोदी बिहार में लंबे समय तक शीर्ष नेता रहे पर मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में पार्टी ने उन्हें कभी नहीं उतारा। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि नीतीश कुमार की पार्टी के साथ भाजपा का वर्षों पुराना गठबंधन चल रहा था। 2020 के विधानसभा चुनाव में जब भाजपा ने जेडीयू से अधिक सीटें हासिल की तो सुशील कुमार मोदी को डिप्टी सीएम न बनाकर रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद के रूप में 2 डिप्टी सीएम बनाए गए। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshant.com। लेकिन वे दोनों को कोई खास कमाल नहीं दिखा पाया और नीतीश कुमार, आपको बता दे चले, नीतीश कुमार ने बीच में भाजपा को गच्चा देकर अगस्त 2022 में महागठबंधन का दामन थाम लिया। उसके बाद से भाजपा विपक्ष में बैठने को मजबूर हो गई। अब भाजपा के पास मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में कोई चमत्कारिक चेहरा नहीं है जिससे जनता एकदम से प्रभावित हो जाए। हालांकि बीजेपी ने पिछले दिनों जब से सम्राट चौधरी के रूप में नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है तब से कई तबकों से उन्हें मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। हालांकि सम्राट चौधरी की चौधराहट को भी पार्टी के भीतर से चुनौती मिलती दिख रही है। राजीव प्रताप रूढ़ी ने सीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर सम्राट चौधरी को पिछले दिनों चुनौती दे डाली थी। दूसरी ओर गिरिराज सिंह ने एक सभा में सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद उम्मीदवार के रूप में उपयुक्त नेता बताया था। अब देखते हैं कि चिराग पासवान का क्या फैसला आता है। वैसे अपने वो पिता की विरासत की पार्टी को ऐसे यूं ही दांव पर नहीं लगाना चाहेंगे। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।